आज क्या हुआ? वो अच्छा बता रहे थे अभी, अब वीडियो बना रही तो नहीं बता रही, बताओ। बुआ के दांत में दर्द हो रही है, वो तो धीरे से बता रहे हैं, आज क्या है बता दो। देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी, आज के दिन भगवान जग गए हैं। कौन भगवान? विष्णु भगवान। हाँ, विष्णु भगवान जग गए। विष्णु भगवान जग गए हैं और आज से मतलब शुभ काम शुरू हो गया है। हाँ। अब लगन शादी विवाह जो भी है आज से शुरू हो गया है। हाँ, जैसे कि कल तुलसी माँ का, तुलसी माँ की शादी से शुरुआत होगी। पहले तुलसी एकादशी बनाएंगे। हाँ, तुलसी लगाने से लगन सारे बंद होते हैं। अब देव जग गए हैं, भगवान जग गए हैं, अब सारे काम शुरू हो गए हैं आज से। लगन जो भी शादी विवाह जो भी है, भगवान जग गए आज। तुलसी मैया पाताल लोक चली गई है। अच्छा, कल से ये तो बुआ ने बताया एक बुढ़ दिवाली के दिन क्या क्या होता है, क्योंकि मुझे इतनी चीजें पता नहीं। देव उठनी एकादशी बोलते हैं। आज देव उठनी एकादशी बोलते हैं। जैसे मैं भगवान चार महीने पाताल लोक जाते हैं ना, आज भगवान जग गए हैं, ऊपर आ गए हैं, भूलोक में आ गए हैं अब। हाँ, तो आप लोग अपनी अपनी मन्नत शुरू कर दो, आप भगवान पूरी करेंगे। तो बुआ के थोड़ा दांत में दर्द है, क्योंकि इनके दर्द हो रही थी तो दो दांत तुड़वा लाए हैं, तो वो ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा बोलने के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने, ऊपर से बोल भी नहीं पा रहे, दांत दर्द हो रही है। तो जो भी था बुआ ने बता दिया, मुझे तो नहीं पता इसलिए बुआ ने बता दिया। चलो आप पटाखे फोड़ने जाते हैं छत में, दिया बाती हमने कर ही ली है, तो छत में जाते कितने पटाखे फोड़ते हैं दिखाएंगे। तो चलो यहाँ पे आप पटाखे फोड़ने के लिए तैयार है। निक्की के पापा, बुआ फोड़ोगे? ये भी फोड़ने के लिए थे, बोल नहीं पा रहे लेकिन फोड़ने के लिए तैयार है। अरे मम्मी, मम्मी पटाखा फोड़ने के लिए बुला रहे हैं, फिलहाल चलते हैं छत में। नैनू भी आ गई है, नैनू को बहुत जल्दी है पटाखे फोड़ने की। चलो बेटा, चलो नैनू। ये कौन है? हाँ, आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलो चलते हैं छत में, छोड़ते हैं पटाखे, जितने भी होंगे आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। आज के नाम मेला निक्की को बहुत जल्दी है, निक्की चली, मम्मी चलते हैं, देखो कितने फोड़ रहे हैं पटाखे। मम्मी पापा तो पहले पटाखे लेके बैठे हुए हैं, मम्मी आवाज लगा रहे हैं। ये तो फोड़ने लगे, ये हमारी निक्की की उब दिया। नैनू फुलझड़ी जलाने के लिए तैयार है। नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो कल हमने पटाखे फोड़े थे और छोटी दिवाली जो बनाई थी उसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई, उसके बाद कुछ नहीं बनाया। अभी लगभग दोपहर के मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं। तो आज है तुलसी का विवाह सालीग्राम से, जैसा कि आपको पता ही है तुलसी का विवाह सालीग्राम से होता है। तो हमें तो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि किसी रिलेटिव किसी पहाड़ों में रीति रिवाज या फिर बहुत कुछ सभी ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं, तो उसी में से आज किसी का नामकरण मतलब किसी का बच्चा हुआ है, तो हमें उस वजह से नाटक माना जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा तुलसी का विवाह बहुत धूमधाम से नहीं कर सकते, इसलिए बुआ आई हैं। तो बुआ ने हल्का फुल्का जो था सुबह कर लिया, मैं उसमें वीडियो नहीं बना पाई, अपना काम कर रही थी। कैसे किया है वो दिखाती हूँ फिर। यहाँ पे हमने तुलसी का विवाह करके वस्त्र वस्त्र चढ़ा के कुछ इस तरह के कर रखे हैं। यहाँ पे नीचे भाभी का भी है, भाभी घर में है इसलिए वो यहाँ नहीं है, गाँव गई है, तो इसलिए उनकी तुलसी है, ये हमारी है। और यहाँ पे तुलसी का भोग हमने अलग ही चढ़ा रखा है।